नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 फरवरी 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 4 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस की बात करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल से संबंधित, तीसरे नंबर पर हम लोकपाल के बारे में डिस्कस करेंगे और चौथे नंबर पर इंडिया और यूएसए ट्रेड रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पिछले साल के अंत में श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और जीत हुई थी गोटाबाया राजपक्षे की। खास बात देखो ये है, गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महेंद्र राजपक्षे के भाई हैं। गोटाबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति बनने के बाद इनके जो भाई हैं, जो पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं महेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन गए। और जब महेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे तो उस समय इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस में खटास आ गई थी। श्रीलंका चाइना के प्रति ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया था, चाइना ने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की थी श्रीलंका में उस समय। तो ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा था कि अब महेंद्र राजपक्षे के भाई गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के, तो देखने लायक होगा कि इनके कार्यकाल में इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस कैसे रहते हैं। क्या पुराने समय में जो खटास आई थी इनके भाई के कार्यकाल में इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस में, वो खटास अभी भी देखने को मिलेगी या एक फ्रेश स्टार्ट इंडिया और श्रीलंका करेंगे गोटाबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति बनने के बाद। तो आर्टिकल में कहा जाता है, शुरुआत तो देखो अच्छी हुई है। महेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली फॉरेन विजिट पर इंडिया की यात्रा पर आए। देखो किसी भी देश के प्रधानमंत्री की या फिर राष्ट्रपति की पहली फॉरेन विजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहली फॉरेन विजिट की सहायता से कोई भी देश ये संदेश देने की कोशिश करता है कि किस देश के साथ उनके रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं हम कोऑपरेशन की। इंडिया और श्रीलंका फिलहाल काफ़ी एरियाज में कोऑपरेट कर रहे हैं। सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है श्रीलंका में। एक प्रपोजल भी श्रीलंका को दिया हुआ है इंडिया और जापान ने मिलकर कि हम कोलंबो में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करेंगे। देखो खास बात ये है, ये जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है कोलंबो में, ये सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। किससे? चाइना ने कोलंबो में एक पोर्ट सिटी डेवलप की है और उस पोर्ट सिटी से इस ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की जो दूरी है वो सिर्फ 3 किलोमीटर है। तो इंडिया और जापान ने मिल के ये प्रपोजल दिया है श्रीलंका को। इसके अलावा इंडिया प्लान कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए श्रीलंका को $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की जाए। देखो लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार से लोन ही होता है। डिफरेंस लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट के बीच ये होता है, लोन जब आप बैंक से लेते हो तो आपको लमसम अमाउंट मिल जाता है। मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया तो एक ही बार में बैंक आपको 10 लाख रुपए दे देगा और उसके बाद तय शर्तों के हिसाब से आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चुकाना पड़ेगा। लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, मान लीजिए बैंक ने आपको 10 लाख की लाइन ऑफ क्रेडिट दी तो आपकी मर्जी है 10 लाख में से आप कितने भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जितने आप विड्रॉ करोगे सिर्फ उसी का इंटरेस्ट आप पर लगेगा और आप वापस भी चुका सकते हो। मान लीजिए एक महीने के लिए आपने 4 लाख रुपए निकलवाए और बाद में वापस डाल दिए तो फिर आप पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा उन 4 लाख रुपए का। आवश्यकता पड़ने पर आप फिर से कुछ अमाउंट निकलवा सकते हो। तो कहने का सिंपल मतलब ये है, लाइन ऑफ क्रेडिट में आपके पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जब श्रीलंका में सिविल वार हुआ था तो जाफना से बहुत से लोग डिस्प्लेस हुए, वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस चले थे तो बहुत लोगों ने अपने घर बार को खो दिया। तो इंडिया ने 2009 के बाद वहाँ पर घर बनवाने स्टार्ट किए ताकि जो लोग डिस्प्लेस हुए उनको अपना एक घर मिल सके। अब बात चल रही है श्रीलंका के साथ कि पूरे श्रीलंका में इंडिया हेल्प करे श्रीलंका की हाउसिंग सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। देखो पिछले साल श्रीलंका में ईस्टर्न डे के मौके पर बॉम्ब अटैक हुए थे जिसमें बहुत से श्रीलंकन नागरिकों की डेथ हो गई थी।
अब श्रीलंका के लिए भी आतंकवाद एक अहम इशू है और इंडिया तो आपको पता है बरसों से आतंकवाद की चुनौती का सामना करता आ रहा है। तो इंडिया के पास एक्सपर्टीज है कैसे आतंकवाद से निपटा जा सकता है। तो अब आतंकवाद के इश्यू पर इंडिया और श्रीलंका के बीच कोऑपरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडिया श्रीलंका के साथ इंटेलिजेंस शेयर करता है, श्रीलंका इंडिया के साथ इंटेलिजेंस शेयर करता है, इंडिया श्रीलंका के पर्सनल को ट्रेनिंग दे रहा है और $50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जो दी है सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, इसको लेके भीम राजपक्षे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच चर्चा हुई। नेक्स्ट पॉइंट, देखो इंडियन ओशन में ये जो तीन देश हैं, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, तीनों ने इंडियन ओशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी के डोमेन में आपस में कोऑपरेट करने के लिए एक ट्राइलेटरल ग्रुप बनाया हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये जो ट्राइलेटरल ग्रुप है वो ठंडे बस्ते में है, मतलब मीटिंग्स नहीं होती इस ग्रुप की। तो महिंदा राजपक्षे ने अब जो मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी के साथ उसमें यह भी चर्चा हुई कि इस ट्राइलेटरल ग्रुप को फिर से रिवाइव किया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा, ताकि तीनों देश ज़्यादा कोऑपरेशन करें इंडियन ओशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। महिंदा राजपक्षे ने एक इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि श्रीलंका की विभिन्न देशों के साथ जो दोस्ती है उन दोस्ती में इंडिया के साथ दोस्ती को श्रीलंका रिश्तेदारी के रूप में देखता है। इंडिया श्रीलंका का रिश्तेदार है क्योंकि इंडिया और श्रीलंका आपस में हिस्ट्री को शेयर करते हैं, कल्चर में भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं इंडिया की और श्रीलंका की। इसके बाद देखो कुछ चैलेंजेस की बात की जाती हैं। श्रीलंका में जब सिविल वार हुआ तो सिविल वार के दौरान तमिल माइनॉरिटीज़ पर काफ़ी अत्याचार हुआ, बहुत से तमिल माइनॉरिटीज़ अभी भी मिसिंग हैं, वो सिविल वार के दौरान गुम हुए थे, अभी तक नहीं मिले। तमिल माइनॉरिटीज़ को घर बार छोड़ के जाना पड़ा, बहुत सी महिलाओं के साथ रेप हुआ, वार क्राइम हुए, जमीन भी काफ़ी छीन ली थी श्रीलंका की आर्मी ने, और इवन हमेशा से मांग रही है जो ये तमिल डोमिनेटेड एरियाज़ हैं श्रीलंका में, जैसे श्रीलंका के नॉर्थ में और श्रीलंका के ईस्टर्न पार्ट में, इन एरियाज़ को ऑटोनमी दी जाए ताकि ये एरियाज अपने आप को खुद से गवर्न कर सकें। ये मांग देखो काफ़ी पुरानी है, इसको लेके एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच 1987 में। डिसाइड ये हुआ था तमिल डोमिनेटेड प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर्स देने के लिए श्रीलंका अपने संविधान को अमेंड करेगा जो कि होगी 13th Amendment। लेकिन देखो इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं, श्रीलंका में सिविल वार ख़त्म भी हो चुका है, ऑलमोस्ट 11 साल हो गए सिविल वार को ख़त्म हुए, अभी भी तमिल डोमिनेटेड प्रोविंसेस को ऑटोनमी नहीं दी गई है, ज़्यादा पावर्स नहीं दी गई हैं, क्योंकि इसका विरोध किया जाता है श्रीलंका में जो मेजोरिटी कमेटी है सिन्हालीज इनके द्वारा। तो अभी श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे जो प्रधानमंत्री भी बने हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम ऐसे कोई सोल्यूशन पर राजी नहीं होंगे जो मेजोरिटी कमेटी यानी सिन्हालीज को एक्सेप्टेबल ना हो। आर्टिकल में एक बात यह भी बोली जाती है, देखो हमने जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस को रिवोक कर दिया तो ये बात हमारे खिलाफ जाती है, अब हम श्रीलंका को जोर देकर जब बोलेंगे कि आप तमिल डोमिनेटेड प्रोविंसेस को स्पेशल स्टेटस दीजिए, उनको पावर दीजिए, तो श्रीलंका हमें बोल सकता है कि भैया आपने तो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया और हमें आप बोल रहे हो कि तमिल डोमिनेटेड प्रोविंसेस को स्पेशल स्टेटस दीजिए, ज़्यादा पावर्स दीजिए, ये गलत बात है। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद दूसरा चैलेंज ये है, देखो जब सिरीसेना श्रीलंका के राष्ट्रपति थे और रानिल विक्रमासिंघे वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय एक MOU साइन हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच ट्रिन कोमाली में एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए, और बात ये भी हुई थी कि मटाला एयरपोर्ट में श्रीलंका इंडिया को स्टेक्स देगा यानी हिस्सेदारी देगा। लेकिन देखो बाद में इस MOU को इग्नोर कर दिया गया श्रीलंका के द्वारा, यानी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने हैं तो उम्मीद ये की जा रही थी कि वो इन प्रोजेक्ट्स को लेके कुछ अपनी सहमति देंगे या फिर कुछ पॉजिटिव संकेत देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स को लेके
श्रीलंका की जनता में थोड़ा विरोध है, इसलिए सरकार इन प्रोजेक्ट्स को लेके आगे बढ़ने के लिए आसानी से तैयार नहीं हो रही है, तो ये भी एक चैलेंज है। लास्ट में देखो, आर्टिकल में ये बोला जाता है, महिंद्र राजपक्षे ने एक रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री मोदी से ये की, चूंकि अभी श्रीलंका के ऊपर बहुत कर्ज है, ऑलमोस्ट 60 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन और डोमेस्टिक कर्ज है श्रीलंका के ऊपर, हर एक साल 5 बिलियन डॉलर्स का इंटरेस्ट श्रीलंका को देना पड़ता है, तो इंडिया को भी श्रीलंका से थोड़े पैसे लेने हैं। तो महिंद्र राजपक्षे ने बोला कि एक बार अभी आप पैसे मत लीजिए, 3 साल का मोरेटोरियम कर देते हैं, 3 साल तक श्रीलंका कोई पेमेंट इंडिया को ना दे, ऐसा प्रोविजन आप कर दीजिए, ताकि श्रीलंका अभी जो बुरे हालात से गुजर रहा है, इसमें श्रीलंका की इकोनॉमिक सिचुएशन और ज़्यादा खराब ना हो जाए। तो आर्टिकल में सलाह ये दी जाती है, देखो इंडिया को श्रीलंका की ये रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए, पहले भी इंडिया ने एक गलती दी थी। श्रीलंका ने इंडिया को ऑफर दिया था कि आप हम्बनतोता पोर्ट डेवलप कर लीजिए, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया था। बाद में श्रीलंका ने चाइना को ऑफर दिया और चाइना ने हम्बनतोता पोर्ट को डेवलप किया, और अब ये सिक्योरिटी पर्पजेज के हिसाब से इंडिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जो गलती इंडिया पहले कर चुका है हम्बनतोता पोर्ट को लेकर, वो गलती एक बार फिर इंडिया ना करे, और डेट क्राइसिस में श्रीलंका की मदद इंडिया को करनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो चर्चा हो रही है कि दिल्ली सरकार का जो एजुकेशन मॉडल था, इस मॉडल को दिल्ली के लोगों के द्वारा पसंद किया गया, और अब दिल्ली की सरकार अपने इस एजुकेशन मॉडल को सेकंड स्टेज पर लेके जाएगी। है क्या दिल्ली सरकार का ये मॉडल जो चर्चा में है? देखो, दिल्ली सरकार का ये जो एजुकेशन मॉडल है, इसमें 5 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके उन 5 कंपोनेंट्स पर हम चर्चा करेंगे, और खास बात यह है, दिल्ली सरकार ने अपने बजट का 25% जो है वो एजुकेशन पे खर्च किया, और कोई भी राज्य सरकार इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती एजुकेशन पर। तो 5 कंपोनेंट्स हमें डिस्कस करने हैं जिन पर फोकस किया दिल्ली सरकार ने एजुकेशन के क्षेत्र में। सबसे पहला कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, अगर स्कूल टूटा फूटा है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, तो टीचर का भी मन नहीं करता पढ़ाने का, स्टूडेंट्स में जोश जो है वो भी कम हो जाता है। तो दिल्ली सरकार ने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी फोकस किया, स्कूल्स को रिनोवेट करवाया गया, फर्नीचर नया लगवाया गया, बहुत सारे स्कूल्स को नया फर्नीचर मिला, स्मार्ट बोर्ड्स मिले, स्टाफ रूम्स को रिनोवेट करवाया गया, ऑडिटोरियम्स, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, और दिल्ली के स्कूल्स को एक नई लाइफ दी गई दिल्ली सरकार के द्वारा। इसके बाद दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। दूसरे कंपोनेंट में देखो, दिल्ली सरकार ने प्रिंसिपल्स और टीचर्स की ट्रेनिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, ताकि टीचर्स और प्रिंसिपल्स बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखें। दिल्ली सरकार ने मौका दिया कि टीचर्स और प्रिंसिपल्स जाएं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सिंगापुर में, IIM अहमदाबाद में, और हमारे देश में जहां पर भी एजुकेशन के अच्छे मॉडल्स हैं किसी भी क्षेत्र में, वहां से दिल्ली के टीचर्स और प्रिंसिपल्स सीखें और बेस्ट प्रैक्टिसेस को दिल्ली के स्कूल्स में अडोप्ट किया जाए। फोरम क्रिएट किया गया जहां पे दिल्ली के टीचर्स और प्रिंसिपल्स एक दूसरे से सीख सकते हैं। इसके अलावा और भी उनको काफ़ी सारे मौके दिए गए ताकि वो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को अचीव कर सकें। टीचर्स को देखो, अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त होगी तो वो अच्छा पढ़ाएंगे और बच्चों का जो रिजल्ट है वो भी अच्छा आएगा। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट है एंगेजिंग विद कम्युनिटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज जो होती हैं, उनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। उनको एनुअल बजट दिया गया 5 से 7 लाख के बीच, और आज़ादी दी गई स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ को कि आप ये 5 से 7 लाख रुपए खर्च कर सकते हो किसी भी मटेरियल पर, किसी भी एक्टिविटी पर, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए और स्कूल की डेवलपमेंट के लिए, जैसे छोटे समय के लिए टीचर्स को हायर करना। इसके अलावा रेगुलर डायलॉग स्टार्ट हुआ टीचर्स के बीच और पेरेंट्स के बीच। पहले से डेट बता दी जाती थी कि इस तारीख को पेरेंट्स टीचर मीट ऑर्गेनाइज होगी। टीचर्स को गाइडलाइंस भी दी जाती थी कि पेरेंट्स के साथ कैसे एंगेज किया जाए,
और पेरेंट्स टीचर मीट की एडवर्टाइजमेंट की जाती थी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रेडियो, न्यूज़पेपर्स। तो ये पेरेंट्स टीचर मीट सक्सेसफुल साबित हुई दिल्ली में। इसके बाद बात करते हैं चौथे कंपोनेंट की। चौथा कंपोनेंट है करिकुलर रिफॉर्म्स लेकर आना। करिकुलर में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए दिल्ली सरकार के द्वारा, जैसे नर्सरी से आठवीं क्लास के बीच हैप्पीनेस करिकुलम को इंक्लूड किया गया, ताकि बच्चों की इमोशनल वेलबींग इंश्योर हो। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया गया नौवीं क्लास से बारहवीं क्लास के बीच, ताकि बच्चों का ऐसा माइंडसेट डेवलप हो कि वो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें, क्रिटिकल ढंग से सोच सकें। इसके साथ साथ एक कमी देखो ये थी कि बहुत सारे बच्चे नाइन्थ क्लास में फेल हो जाते थे। उसका रीज़न ये है, बच्चों की जो फाउंडेशन है बहुत बार वो वीक मिलती है। मतलब नौवीं क्लास तक बच्चा आ गया, लेकिन अभी भी जो बेसिक स्किल्स हैं वो बच्चे के पास नहीं हैं पढ़ने लिखने की। तो ये जो फाउंडेशनल लर्निंग होती है, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, ताकि आगे जाके किसी प्रकार की दिक्कत बच्चों को ना आए और रिजल्ट अच्छा आए। बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स जैसे पढ़ना लिखना, बेसिक मैथमेटिक्स करना। बेसिक मैथमेटिक्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। लास्ट में एक बात ये भी बोली जाती है, इन सब बदलावों के साथ साथ जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स, उन पर भी अच्छा फोकस किया गया, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव किया जा सके। पांचवा कंपोनेंट ये है, दिल्ली सरकार ने इंश्योर किया कि प्राइवेट स्कूल्स में फीस ना बढ़े। देखो ऑलरेडी जो चार कंपोनेंट्स हैं, उन चारों कंपोनेंट से फ़ायदा हुआ दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों की फीस हर साल प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा बढ़ा दी जाती थी ऑलमोस्ट 8% से लेकर 15% के बीच। लेकिन दिल्ली सरकार ने ये इंश्योर किया कि दो साल तक प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी फीस नहीं बढ़ाई, और 32 करोड़ जो ले लिए थे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स ने पेरेंट्स से, वो पैसे भी वापस लौटाए गए पेरेंट्स को। एक मैकेनिज्म रखा गया सामने कि फीस आगे कभी भी बढ़ानी होगी प्राइवेट स्कूल्स को, तो पहले ऑथराइज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रपोजल को एग्जामिन करेंगे, उसके बाद ही प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा फीस को इंक्रीज किया जा सकेगा। इसके बाद देखो आर्टिकल में यह बोला जाता है, अब फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो एजुकेशन रिफॉर्म्स को सेकेंड लेवल पर ले जाया जाएगा। कुछ इश्यूज जो पहले जिन पर काम करना बाकी रह गया था, उनको अब इंप्लीमेंट किया जाएगा। जैसे पहली क्लास से लेकर आठवीं क्लास का जो सिलेबस है उसे रिव्यू किया जाएगा, ताकि फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स पे और ज़्यादा फोकस किया जा सके। हैप्पीनेस करिकुलम और देशभक्ति करिकुलम, इस पर भी फोकस किया जाएगा। ये इंश्योर किया जाएगा बच्चा फ्लुएंसी के साथ पढ़ सके, लिख सके और मैथमेटिक्स कर सके। बच्चों के अंदर इमोशनल रेजिलियंस को बिल्ड किया जाएगा, ताकि कैसी भी परिस्थिति आती है इमोशनल रूप से बच्चा ब्रेकडाउन ना हो। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं हमारे संविधान की, उन्हें भी इंटरनलाइज किया जाएगा बच्चों के अंदर। इसके अलावा आंगनवाड़ीज में, जैसे देखो जिनके पास पैसे होते हैं वो तो प्ले स्कूल्स में अपने बच्चों को डाल देते हैं, लेकिन गरीब घरों के बच्चे जाते हैं आंगनवाड़ीज में। तो आंगनवाड़ीज में अर्ली चाइल्डहुड केयर होती है, आंगनवाड़ीज में बच्चों का सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी वो स्कूल में एंटर करते हैं तो वहाँ पे वो अच्छे से सीख पाते हैं। अगर आंगनवाड़ीज में बच्चों की सही नींव नहीं बनती है, तो फिर आगे जाके स्कूल में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आंगनवाड़ीज को इस प्रकार से रिफॉर्म किया जाएगा, ताकि बच्चों की अच्छी नींव बने जब बच्चे आंगनवाड़ीज में आए। दूसरा रिफॉर्म अब ये लाया जाएगा, एक दिल्ली एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो कि लर्निंग को और क्रिटिकल थिंकिंग को एंकरेज करेगा बच्चों में, और बच्चों में ऐसा माइंडसेट तैयार करेगा कि वो प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें, अपनी नॉलेज को इस्तेमाल कर सकें। 21वीं शताब्दी के जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए बच्चों को तैयार किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स दिल्ली के स्कूल्स से पास आउट हुए हैं अभी हाल ही में, उनके लिए प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग के, दूसरी सॉफ्ट स्किल्स, ताकि आगे जाके उनके पास ऐसी स्किल्स हों जो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए। तीसरा, से स्पेशलाइज्ड स्कूल्स
इस्टाब्लिश किए जाएंगे दिल्ली के सभी 29 जोन्स में, ताकि बच्चों का जो एप्टीट्यूड है या फिर टैलेंट है अलग अलग एरियाज़ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, लिटरेचर में, लैंग्वेज में, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट में, स्पोर्ट्स में, बच्चे अपने इन क्षेत्रों में अपने एप्टीट्यूड को और अपने टैलेंट को नर्चर कर सकें। तो ये तीन रिफॉर्म्स अब दिल्ली की सरकार लेकर आएगी एजुकेशन के क्षेत्र में। ये हमने दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लोकपाल से संबंधित है, आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 2011 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था देश में लोकपाल लाने के लिए, और 2013 में हमारे देश में लोकपाल एक्ट आ भी गया, लेकिन 5 साल लग गए, इवन 5 से भी ज़्यादा 6 साल लग गए लोकपाल के गठित होने में। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? प्रॉब्लम देखो ये आ रही थी, लोकपाल एक्ट में प्रोविजन ये है कि लोकपाल सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कौन लोकपाल का मेंबर बनेगा, कौन लोकपाल का चेयरमैन बनेगा, और लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी में 5 मेंबर्स हैं, प्रधानमंत्री, स्पीकर ऑफ लोकसभा, अपोजिशन के लीडर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक एमिनेंट जूरिस्ट जिसको सिलेक्ट किया जाएगा बाकी 4 लोगों के द्वारा मिलकर। लेकिन देखो, पिछली लोकसभा में कोई भी अपोजिशन का लीडर नहीं था, कोई मेन अपोजिशन पार्टी बनी ही नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतनी सीट्स आई ही नहीं कि वो मेन अपोजिशन पार्टी का दर्जा हासिल कर सके, तो इसलिए कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन पिछली लोकसभा में नहीं था। तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, इस वजह से ये लोकपाल सिलेक्शन कमेटी गठित नहीं हो सकी, और ये कमेटी गठित नहीं हुई इसलिए लोकपाल के मेंबर्स का चयन नहीं हो सका, लोकपाल के चेयरमैन को नहीं सिलेक्ट किया जा सका। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो इस छोटी सी कमी को आसानी से दूर किया जा सकता था, या तो वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स थी उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन माना जा सकता था इस सिलेक्शन कमेटी के लिए, या फिर अगर आपको ये पसंद नहीं था तो लोकपाल एक्ट को ही आप अमेंड कर देते और उसमें ये प्रोविजन कर देते कि लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट अभी खाली है तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं उसके लीडर को इस लोकपाल सिलेक्शन कमेटी में जगह दी जा सकती है। लेकिन दोनों में से एक भी काम सरकार के पास नहीं किया गया, ना तो ये सिलेक्शन कमेटी पूरी हुई, और सिलेक्शन कमेटी पूरी नहीं हुई तो लोकपाल का भी गठन नहीं हुआ। बाद में देखो, जब सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई कि देखो आपके आदेश का उल्लंघन हो रहा है, सरकार ने अभी तक लोकपाल का गठन नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर फटकार लगाई कि भैया आप जल्दी से लोकपाल का गठन करो। तो बिल्कुल अंत में जाके, अपने पिछले कार्यकाल के अंत में जाके, सरकार ने एमिनेंट जूरिस्ट को चुना, मुकुल रोहतगी जो पहले अटॉर्नी जनरल थे सरकार के, और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इन्वाइट किया गया, लेकिन स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर। मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि ये तो सिर्फ देखो दिखाने के लिए है, एज ए टोकनिज्म पोस्ट है, इसलिए मैं इस सिलेक्शन कमेटी की गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो 4 मेंबर्स ने ही मिलके लोकपाल का गठन कर दिया। लोकपाल के जो मेंबर्स हैं, देखो ये बात हम आंसर्स में नहीं लिख सकते, लेकिन राइटर का ये बोलना है कि लोकपाल के जो मेंबर्स हैं उनमें से काफ़ी मेंबर्स ऐसे हैं जिनका रुझान सीधा सीधा सरकार की तरफ रहा है, मतलब सरकार ने अपनी पसंद के लोगों को शामिल कर लिया है लोकपाल में। इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी देखो एक उम्मीद थी, अब लोकपाल का गठन हो गया है तो लोकपाल अच्छे से काम करेगा और हमारे देश में हायर लेवल पे जो करप्शन देखने को मिलता है उस करप्शन को दूर किया जाएगा। बट देखो, लोकपाल के गठन को 10 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक सरकार ने रूल्स भी नहीं बनाए हैं जिनके अकॉर्डिंग लोकपाल को कंप्लेंट देने के लिए फॉर्म फिल किया जा सकता है। इवन देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक वो रूल्स भी फॉर्मुलेट नहीं किए हैं जिनके अकॉर्डिंग पब्लिक सर्वेंट्स को अपनी एसेट्स डिस्क्लोज करनी है। लोकपाल के एक्ट में प्रोविजन ये था कि लोकपाल के एक्ट के आने के बाद 1 साल के अंदर अंदर पब्लिक सर्वेंट्स अपनी एसेट्स को डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन इसमें बाद में अमेंडमेंट लाई गई थी
बट अभी तो देखो ऑलमोस्ट 7 साल पूरे हो चुके हैं लोकपाल एक्ट के आए, अभी भी सरकार ने रूल्स नहीं बनाए हैं जिनके अकॉर्डिंग सभी पब्लिक सर्वेंट्स अपनी एसेट्स को पब्लिक में डिस्क्लोज करें। लोकपाल एक्ट में प्रावधान ये भी है, लोकपाल के पास अपनी एक इंक्वायरी विंग होगी जिसके हेड होंगे डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी, अपना एक अलग से प्रोसिक्यूशन विंग होगा जिसके हेड होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। बट देखो दुखद बात ये है, लोकपाल के गठन को 10 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक इंक्वायरी विंग और प्रोसिक्यूशन विंग को सेटअप नहीं किया गया है और ना ही लोकपाल ने अभी तक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी या फिर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के पद पर किसी को अपॉइंट किया है। इवन अभी तक तो कोई ऐसे रूल्स भी नहीं बने हैं कि कैसे लोकपाल को प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्या प्रोसीजर हो सकता है, मतलब कुछ भी तैयार नहीं है अभी तक। जो बेसिक प्रोसीजर होना चाहिए किसी भी संस्थान के काम करने के लिए वो प्रोसीजर अभी तैयार नहीं है। लोकपाल से संबंधित जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। देखो लोकपाल के मेंबर्स की जो पोस्ट हैं वो तो फुल हैं, हालांकि कुछ समय पहले एक मेंबर थे जस्टिस भोसले, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। बट बात यहां पर यह है लोकपाल संस्थान से जुड़ी जो दूसरी पोस्ट हैं वो खाली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी हैं लोकपाल के इफेक्टिव रूप से काम करने के लिए। लोकपाल की वेबसाइट ये बोलती है कि 30 सितंबर 2019 तक 1065 कंप्लेंट्स लोकपाल को हासिल हुई, जिसमें से 1000 कंप्लेंट्स को डिस्पोज कर दिया गया। लेकिन भैया आपने अपनी इंक्वायरी विंग सेटअप नहीं की, अपनी प्रोसिक्यूशन विंग सेटअप नहीं की, अभी तक रूल्स ही नहीं है कि कैसे आपको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी है और आप कंप्लेंट्स को डिस्पोज कर रहे हो। तो कोई पर्सन कल को कोर्ट में जा सकता है कि जब मेरी कंप्लेंट को डिस्पोज किया गया तब तक तो रूल्स ही नहीं थे कि उनको इंक्वायरी कैसे करनी है, तो फिर कैसे मेरी कंप्लेंट को डिस्पोज कर दिया गया। तो कहने का मतलब यही है कि लोकपाल का जो इंस्टीट्यूशन है इस पर सरकार अभी भी ध्यान नहीं दे रही है, अपनी पूरी पावर्स का यूटिलाइजेशन लोकपाल के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये लोकपाल को गठित करने की जो मांग थी ये देखो 50 साल पुरानी थी, लेकिन 50 साल बाद किसने सोचा था जब लोकपाल हमारे देश में आएगा तो इतना इनइफेक्टिव होगा। तो शायद लगता ये है कि एक और आंदोलन की आवश्यकता है कि लोकपाल जो अब आ चुका है इसे इफेक्टिव बनाया जाए ताकि ये लोकपाल का संस्थान हमारे देश में करप्शन को खत्म कर सके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया यूएसए ट्रेड रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप इस महीने भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, तो बहुत सारे इश्यूज पर फोकस होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस होगा ट्रेड डील पर। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील साइन हो सकती है राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान। देखो इंडिया और यूएसए के बीच ट्रेड के क्षेत्र में बहुत सारे इश्यूज पर विवाद देखने को मिला, जैसे यूएसए के राष्ट्रपति ने बार बार ये बोला कि यूएसए से इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर इंडिया काफ़ी टैरिफ को लगा के रखता है, इसलिए यूएसए के प्रोडक्ट इंडिया में बिक नहीं पाते। तो बदले में धमकी देते हुए यूएसए ने हमारे इंडिया से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ को इंक्रीज कर दिया, खास करके स्टील प्रोडक्ट्स पर, और इंडिया को पहले जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का स्टेटस मिला हुआ था ये भी इंडिया से छीन लिया गया। तो ये अब जो डील साइन होगी इस डील के थ्रू इंडिया को ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का स्टेटस वापस दिया जा सकता है। और एक शिकायत देखो यूएसए को ये भी रहती है कि इंडिया यूएसए से इंपोर्ट होने वाले मेडिकल डिवाइसेस की प्राइसिंग को रेगुलेट करता है। इंडिया का कहना है ये देखो जरूरी है क्योंकि बहुत बार गरीब लोगों को इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करना होता है, तो मेडिकल डिवाइसेस के जो दाम हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एग्रीकल्चर ट्रेड को लेके भी दोनों देशों के बीच विवाद रहता है, तो इन सब चीज़ों को लेके सब इश्यूज पर सॉल्यूशन निकल सकता है जब ट्रंप इंडिया की यात्रा पर आएंगे 25-26 फरवरी के आसपास। इवन देखो इंडिया और यूएसए के बीच अगर सही ढंग से चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो आगे जाके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इंडिया और यूएसए के बीच साइन हो सकता है, जो कि दोनों देशों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे इश्यूज जिनको लेके विवाद रहता है इंडिया और यूएसए के बीच वो इस प्रकार से हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सम्मान नहीं होता, पेटेंट्स का सम्मान नहीं होता, इससे नुकसान होता है यूएसए की कंपनीज को। डिजिटल ट्रेड को लेके भी विवाद है, डिजिटल ट्रेड मतलब
जैसे उबर कंपनी है, फेसबुक है, अमेजोन है, ये सब क्या कर रही हैं, डिजिटल ट्रेड कर रही हैं। और पिछले कुछ समय से हमारा जो फोकस है वो डेटा प्रोटेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ये कंपनीज डेटा को यूएसए में नहीं ले जा सकती, उन्हें यहीं पे स्टोर करके रखना होगा। तो यूएसए की कंपनीज को कंसर्न्स हैं हमारी डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी से, और यूएसए फिर हमें बोलता है कि आप इस प्रकार की पॉलिसीज क्यों अपना रहे हो। इन्वेस्टमेंट को लेके भी विवाद रहता है। देखो, इंडिया काफ़ी इन्वेस्ट करता है यूएसए में, और यूएसए से चाहता भी है कि यूएसए इंडिया में इन्वेस्ट करे, और यूएसए की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती भी हैं। बट देखो, बहुत बार ऐसा होता है जैसे एकदम से हमारे रूल्स पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। जैसे कल ही हमने डिस्कस किया था कि तमिलनाडु की सरकार ने एकदम से डिसाइड किया कि कावेरी डेल्टा रीजन जो है अब वो एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड जोन बनेगा। तो इससे वो कंपनीज जो इन्वेस्ट करती हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हर एक देश ये चाहता है कि हमारे देश की कंपनीज जब दूसरे देश में इन्वेस्ट करें तो दूसरे देश की पॉलिसीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक महीने कुछ बोलते हो, नेक्स्ट मंथ आपकी जो पॉलिसी है वो एकदम से बदल जाती है और इन्वेस्टमेंट के खिलाफ चली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट को लेके दोनों देशों के बीच देखो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी तो साइन नहीं होगी, क्योंकि बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पहले इंडिया की बहुत सारे देशों के साथ साइन थी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इंडिया ने इन ट्रीटीज़ को रद्द कर दिया। सरकार का कहना था इन ट्रीटीज़ से इंडिया को फ़ायदा नहीं होता है। इवन यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो भी इन ट्रीटीज़ के समर्थन में नहीं हैं। एग्जाम्पल दिया जाता है कि यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट जब हुआ तो उस समय इन्वेस्टमेंट को लेकर एक नई अप्रोच अपनाई गई और इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को छोड़ दिया गया। इवन इंडिया हालांकि आरसीईपी में शामिल नहीं हुआ, बट आरसीईपी में भी इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया और यूएसए को कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन करना चाहिए जिससे यूएसए की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, इंडिया की कंपनी यूएसए में इन्वेस्ट करती है, दोनों की इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे, दोनों देशों की जो पॉलिसीज़ हैं वो ट्रांसपेरेंट रहें, प्रेडिक्टेबल रहें, ताकि किसी देश की इन्वेस्टमेंट को कोई खतरा ना हो। अगर इस प्रकार से दोनों देश ट्रेड रिलेशंस में कोऑपरेट करते जाते हैं तो जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया, एक कॉम्प्रिहेंसिव बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट किया जा सकता है दोनों देशों के द्वारा। तो अब जो ट्रेड डील साइन होगी, जब यूएसए के राष्ट्रपति इंडिया की यात्रा पर आ रहे हैं 25-26 फरवरी को, इस ट्रेड डील से जो मोमेंटम मिलेगा उस मोमेंटम को आगे ले जाने की आवश्यकता है, तब जाके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। अदरवाइज तो फिर से जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो इतनी मजबूत नहीं होगी। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया यूएसए ट्रेड रिलेशंस से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। आज हमने चार इश्यूज़ को डिस्कस किया। सबसे पहले इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, दूसरे नंबर पर दिल्ली सरकार का मॉडल, तीसरे नंबर पर लोकपाल, और चौथे नंबर पर इंडिया यूएसए ट्रेड रिलेशंस। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।